यार सर्दियों के साथ बहुत सारी चीजें चली जाती हैं। जैसे? जैसे हमारी टाइम पास वाली मूंगफली और गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय और खाने के बाद ये गजक, सब चला जाएगा यार सर्दियों के साथ। ऐसा नहीं है भाई, सर्दियां जा रही हैं लेकिन सुपर कोचिंग पर डिस्काउंट भी तो आ रहा है। सुपर कोचिंग लेकर आ रहा है विंटर फेयरवेल सेल, जहां पर सभी कोर्सेज पर मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग, टेक्स्ट बुक रेलवे में आप सभी का स्वागत। जल्दी से पहले तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा ऑडिबल हूँ मैं आप सभी को। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सुबह 9 बजे हम मॉक टेस्ट करेंगे और चैनल टेक्स्ट बुक रेलवे रहेगा, तो सभी के सभी जल्दी से टेक्स्ट बुक रेलवे पे आ जाओ। और जो भी बच्चा SSC सुपर कोचिंग ऐप पे क्लास ले रहा है उनको भी एक बार लिंक भेज दो कि भैया क्लास टेक्स्ट बुक रेलवे से ले लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर क्लास हो रही है। तो आप सभी के सभी जुड़िए इसी में। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आप इस चैनल पे आते हो ना, रेलवे की पूरी तैयारी करने के लिए आ सकते हो। पूरा जो है ना A to Z आपको रेलवे का यही पढ़ा रहे हैं। मैं पूरे आपको जो मैराथन भी कराऊंगा ना, जैसे साइंस का मैराथन होगा, केमिस्ट्री का पूरा फुल थ्योरी होगा आपका संडे में, ठीक है, तो वो भी आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहना। और साथ के साथ आपको एक टेलीग्राम भी दे रहे हैं जिसमें आपको पूरा PDF सभी क्लासेस के लिंक आराम से मिल जाते हैं, सभी टीचर्स की क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं। टीचर्स ये रहे, गौरव सर से शुरुआत हो रही है, गरिमा मैम, मैं मनोज सर, फिर शाम को एक टीम आपको पढ़ा रही है, तो शाम की टीम भी आपके लिए अवेलेबल है। तो मतलब पूरी टीम आपको पढ़ा रही है इस चैनल पे, इसमें आप जुड़ सकते हैं और टेक्स्ट बुक का रेलवे का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपके लिए एक विंटर फेयरवेल सेल चल रही है, मौका है, इसे मत छोड़ना। अमनदीप कोर्स से आप रेलवे का कोर्स लोगे तो सबसे कम फीस मिलेगी। सारे बैचेस हैं, तेजस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरी टीम पढ़ा रही है, CBT 1 CBT 2 सब हो रहा है। बाकी इसकी डिटेल क्लास के एंड में अच्छे से और देखें। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। आज हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो नेक्स्ट हमने छोड़े थे, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़े थे ना। हमने कल 100 क्वेश्चन की एक PDF लाया था मैं, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के आपको 50 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक ठाक लेवल था, सभी बच्चे अटेम्प्ट कर पाए थे, बट अभी आपको ना बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन करने हैं। और दोबारा कहूंगा, लेवल ठीक ठाक है, आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर आपने थ्योरी पढ़ाना बंद कर दिया है, चैप्टर वाइज पढ़ाना बंद कर दिया है, तो मैंने इसका बड़ा तगड़ा इलाज निकाला है। आपको जब आपका वीकेंड होगा ना, यानी कि आपका संडे होगा, आपको पूरी केमिस्ट्री का A to Z थ्योरी खत्म करा दूंगा, 3 घंटे की मैराथन लेके। इससे क्या रहेगा कि हमारी सुबह 9 बजे एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस सेट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास चलती रहेगी और हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न नया नया होता है और उसको सीखना बहुत जरूरी है ना। तो वीडियो एक बार सभी शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संडे को मैराथन ले आएंगे आपसे, 51वां क्वेश्चन। इसमें से कौन सा ऐसा, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसका इंपल्स का जैसा डायमेंशन है, जैसा डायमेंशन इंपल्स का है वैसा ही डायमेंशन इसका भी है। बताइए कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है। सर आज आपको नहीं लग रहा कि जल्दी क्लास स्टार्ट हुई है? नहीं, समय पे स्टार्ट हुई है, जल्दी नहीं हुई है ना, कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आई है इसलिए समय पे स्टार्ट हुई है। करा इंपल्स के जैसा डायमेंशन किसका है? देखो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स फॉर अ स्मॉल टाइम, यानी कि F × T, ठीक है। F × T जो है इंपल्स का फॉर्मूला है, फोर्स फॉर अ स्मॉल टाइम, ठीक है। इंपल्स उसी को कहते हैं कि भाई अगर जैसे बॉल को कैच कर रहे हैं तो एकदम से बॉल हाथ में आके लगेगी और वो थोड़े समय के लिए जो वो फोर्स लगी वही इंपल्स है। सेम ऐसा ही जो है मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है पी और इसका फॉर्मूला होता है M × V, ठीक है, M × V। तो इंपल्स क्या है, ठीक है, I = F × T है और जो पी है वो क्या है, M × V है। और इनका डायमेंशन जो है दोनों का सेम रहता है, ठीक है, डायमेंशन जो है दोनों का सेम रहेगा। क्वेश्चन आपको इस पे मिल सकता है, आ सकता है। कोई पूछेगा सर कैसे, तो आप बस फॉर्मूले की वैल्यू पुट करिए, आपको दिखाई देगा कि भैया हाँ डायमेंशन तो सेम है
ठीक है, डायमेंशन तो सेम है, बस आप फॉर्मूले की वैल्यू पुट करिए, आप वी की जगह जो है क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाइए, एक्सेलरेशन वी अपॉन टी वाला फॉर्मूला लगाइए, आपको अपने आप समझ आएगा। ठीक है चलिए देखो सिंपल सा एक्सेलरेशन होता ना, ठीक है वी अपॉन टी ऐसे करके, तो आप इधर ये कर सकते हो कि आप वी की जगह ए इंटू टी लिख सकते हो, तो बस आप वो वैल्यू पुट करोगे तो आपको इधर ए टी पुट करोगे एम, इधर आप ए टी पुट करोगे ना एम इंटू ए इंटू टी आएगा, तो एम ए जो है वो एफ होता है, फोर्स होता है, और दोबारा टी क्या वैल्यू आ गया एफ इंटू टी, ये क्या वैल्यू हो गया एफ इंटू टी, तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी कि नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम होगी कि नहीं, एफ इंटू टी आ गया, कहने का मतलब दोनों का डायमेंशन सेम हो गया कि नहीं एफ इंटू टी वाला, और ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और एम एल टी माइनस वन वाला भी कर सकते हो, ठीक है दोनों तरीके हैं समझने के लिए कि एफ इंटू टी इसका भी आ जाता है और एफ इंटू टी इसकी जो होती है, इसलिए दोनों की डायमेंशन जो है सेम है। ठीक है बाकी मैं आपको किसी दिन फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा तो सब फॉर्मूला वॉर्मूला सब बता दूंगा कि ऐसे ऐसे फॉर्मूला निकलता है, ऐसे ऐसे इसका डायमेंशन सेम होगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से बताइएगा दूसरे क्वेश्चन पे आए। बेटा एक बच्चा, कोई सा एक बच्चा ना, ठीक है कोई सा एक बच्चा एसएससी सुपर कोचिंग में ये जो क्लास चल रही है ना उसमें ना इस क्लास का लिंक भेज दो एक बारी, और जाके ना हल्ला मचा दो एक मिनट में, कोई सा भी एक बच्चा कि भैया सारे तो टेक्स्ट बुक रेलवे पे पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक रेलवे पे आके पढ़ो अमन सर से, ठीक है ये वाली क्लास का लिंक भेज दो और लिख दो टेक्स्ट बुक रेलवे पे आके पढ़ो अमन सर से, एक बार लिख दो कोई सा। चलिए एक या दो बच्चा जाना बाकी नहीं, ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक, व्हाई, कारण क्या है, ठीक है बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखो मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट डमी क्लास पढ़े, वहां पे डमी क्लास चल रही है, इधर एक्चुअल रियल क्लास चल रही है तो रियल क्लास में पढ़ना चाहिए। ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज, देखो अगर कोई भी चीज ब्लैक दिख रही है, ब्लैक बोर्ड को छोड़ो मारो उसको, कोई भी चीज अगर ब्लैक दिख रही है तो उसका कारण क्या है कि भैया वो सब एब्जॉर्ब कर ले रहा, वो सब एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना। अगर मैं ब्लैक टी शर्ट पहनता हूं मेरे को ज्यादा गर्मी लग रही है, कहने की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है ना, तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है कि भैया ये अब ये इसमें से लिखा है डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, ऑटोमेटिकली क्या है ऑटोमेटिक, अरे नलायको सी की लगा रहे एब्जॉर्ब ब्लैक कलर, सिर्फ ये ब्लैक कलर ही एब्जॉर्ब करेगा तभी वो ब्लैक होगा, मतलब अगर ब्लैक कलर ना हो तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्या कुछ भी, सिंपल फंडा है कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा का मतलब वो रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करेगा, जो भी उसके ऊपर कलर पड़ेगा वो सब कुछ जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर और एब्जॉर्ब ऑल कलर, दोनों चीजें बराबर हैं, और रट्टेबाजी नहीं मारते, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बड़े धाकड़ है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा खासा था, इसकी डिटेल आपने समझी तो आपको समझ आया भैया ऐसे आता है, इसमें भी आपको सीधा ये नहीं लिखा कि ऑल कलर एब्जॉर्ब, इसमें कह रहा है कि डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, दोनों का मतलब सेम होता है, और ये कतई आंसर नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ लिखा ना ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक सिर्फ ब्लैक को ही थोड़ी एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक तो हर कलर को एब्जॉर्ब करता है, पॉइंट को समझो कि आंसर बी क्यों है सी क्यों नहीं है, बी क्यों है सी क्यों नहीं है, जल्दी से बताइएगा सभी को पॉइंट समझ आया ये, ठीक है पहले भी लगा था बी है बट सोच समझ के आंसर बताया करो, थोड़ा ये देखा करो कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद सेल, बड़ा आसान क्वेश्चन है जल्दी से बताइए, है ना आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद सेल, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों साइटोलॉजी, ऑब्वियसली ऐसे मैंने आपको अगर मैं कहूँ कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील विद टिश्यू, क्या लगाओगे आंसर, डील विद टिश्यू, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। गुड मॉर्निंग डियर पदम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो भी बच्चा आ रहा है जल्दी से जुड़ते रहिए, ठीक है चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील विद सेल जो है वो आपका साइटोलॉजी है, ऐसे ही ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद टिश्यू उसका आंसर हिस्टोलॉजी, ठीक है और कवक की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है हेलो डियर राजू आरएस, ठीक है कवक की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, तो उस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है चलिए है ना, तो ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। एक और देखते हैं, ठीक है
एक और क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनली सोडियम इज कैप्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताइए कॉमनली सोडियम जो है किसमें कैप्ट किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी के सभी, जल्दी से आंसर बताइएगा। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। अरे कहाँ चला गया लिंक क्लास का मेरी, एक सेकंड हो गया मेरी क्लास का लिंक पता नहीं कहाँ चला गया। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सोडियम को किस में, मैंने आपको ना ये वाला क्वेश्चन है इस टाइप का करा रखा है, मैंने आपको व्हाइट फॉस्फोरस का कराया था, किसका कराया था, व्हाइट फॉस्फोरस का, कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है, सर आपने केमिस्ट्री पढ़ा दिया क्या चैप्टर वाइज, नहीं संडे को पढ़ाऊंगा पूरी केमिस्ट्री खत्म कराऊंगा संडे को, टेंशन मत लेना। आंसर है इस क्वेश्चन का केरोसिन ऑयल, ये सोडियम का है। वैसे अगर आपको व्हाइट फॉस्फोरस का पूछता तो कोल्ड वाटर होता आंसर, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस पूछता तो कोल्ड वाटर होता आंसर, और अगर गोल्ड का पूछता तो एक्वा रिजिया टाइप क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलता, ठीक है, या फिर आपसे रॉयल वाटर पूछता तो एक्वा रिजिया लिखा होता, ठीक है, प्रीशियस मेटल लिखा होता तब भी एक्वा रिजिया लिखा होता, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, चमगादड़ किसका उदाहरण है भाई, चमगादड़ तो सभी को बताओगा, चमगादड़ किसका उदाहरण है, जल्दी से बताइएगा चमगादड़ किसका उदाहरण है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए चमगादड़ किसका उदाहरण है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करो बताओ आंसर क्या इस क्वेश्चन का, चमगादड़ किसका उदाहरण है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा, चमगादड़ मैमल का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, मैमल का उदाहरण, देखो इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता कि भाई चमगादड़ किसका उदाहरण है, मैमल का उदाहरण है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये तो एनिमल किंगडम का सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ना ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बच्चा सोचता है पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन है, हमें तो इसके लिए पता नहीं कौन कौन सी वेव कौन कौन से किस किस के द्वारा डिटेक्ट की जाती है, सब पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे टेलीफोन के द्वारा डिटेक्ट करवा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी में साउंड चैप्टर में लिखा हुआ है, साउंड चैप्टर में अल्ट्रासोनिक वेव का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुंदर ट्यूब के द्वारा ये डिटेक्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी, ठीक है, और कहीं भी नहीं, नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा, गलत है थोड़ा सा ऑप्शन इसका। एनोस्मिया जो है ये क्या, व्हाट इज एनोस्मिया, ठीक है, अब जैसे एनोस्मिया की अगर मैं बात करूं तो भैया एनोस्मिया कौन सी कंडीशन है, जल्दी से बताइएगा, है ना, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, एनोस्मिया कौन सी कंडीशन है। बेटा आप ऐसे जो भी एसएससी सुपर कोचिंग ऐप पे क्लास ले रहा है, आप अभी फिलहाल में ही इस वीडियो के नीचे या ऊपर लिंक पे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, हमारी जो रेगुलर क्लास चल रही है वो चल रही है टेक्स्ट बुक रेलवे चैनल से, आप ऊपर देखो, जो भी सुपर कोचिंग से ले रहा है ना, एसएससी सुपर कोचिंग से क्लास ले रहा है, आप ऊपर देखो, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा एक चैट बॉक्स पे लिंक लिखा होगा टेक्स्ट बुक रेलवे का, आप उसको खोल लो और वहां से टेक्स्ट बुक रेलवे पे आके पढ़ो, क्योंकि भैया ये डमी क्लासेस है, थोड़े दिनों में बंद हो जाएंगी, फिर आप ढूंढते फिरोगे कि क्लास गई कहाँ पे, ठीक है, आपकी एक्चुअल क्लास टेक्स्ट बुक रेलवे पे चल रही है, तो आप वहां से क्लास लीजिए, बहुत सारे बच्चे वहीं पे देख रहे हैं, तो आप भी वहीं पे देखिए, ठीक है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, लॉस ऑफ द सेंसेस ऑफ द स्मेल, जब हम किसी भी चीज को स्मेल करना बंद कर देते हैं, हमारे जो ये सेंसेस है स्मेल करने के सेंसेस वो खत्म हो जाते हैं, तो डेट इज एनोस्मिया कंडीशन, हमें किसी भी चीज का स्मेल जो है पता नहीं लगता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जो है, ठीक है, ये कैपिटल जी की वैल्यू कह रहा है, उसका डायमेंशन क्या, कैपिटल जी की वैल्यू है उसका डायमेंशन क्या, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कैपिटल जी की जो वैल्यू है उसका डायमेंशन क्या है, आंसर बताइएगा सभी के सभी, जितने बच्चे देख रहे हैं बताइए कैपिटल जी का डायमेंशन क्या होता है। देखो कैपिटल जी का डायमेंशन जो है ना एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है, एल थ्री टी माइनस टू है कैपिटल जी का डायमेंशन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, बताइएगा आंसर, नेम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, मदर मिल्क
काव मिल्क के कंपैरिजन में प्रेफर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे होता क्या, जैसे मदर मिल्क नहीं पिलाया जा सकता तो फिर काव मिल्क ही पिलाया जाता है, बट प्रेफर मदर मिल्क किया जाता है किस वजह से, है ना। एक बेबी जो न्यू बोर्न बेबी है, ठीक है, उसको मदर मिल्क पिलाया जाता है काव मिल्क के कंपैरिजन में, क्यों? इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, ठीक है। देखो अगर बच्चे को वो वाला दूध पिलाया जाए जिसमें ज्यादा फैट है, ज्यादा लिपिड्स है, वो फैल जाएगा। फैल जाएगा मतलब वो बचपन से ही मोटा हो जाएगा, लेस फैट मोर लिपिड। अच्छा जी, लिपिड का कोई बहुत अच्छी, लेस फैट लिपिड बहुत अच्छी चीज है, जो लेस फैट मोर लिपिड बता रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि मोर फैट मोर लिपिड, दोनों ही चीजें ज्यादा है इस वजह से। ऐसा नहीं होगा क्या कि दोनों ही चीजें ज्यादा है इस वजह से? कि नहीं होगा? चलिए रट्टेबाजी कम करो, ठीक है। मतलब दोनों ही चीजें जो है ज्यादा, मदर मिल्क में दोनों ही चीजें कम होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मदर मिल्क को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें फैट भी कम है, उसमें लिपिड भी कम है, ठीक है। और जो काउ मिल्क है उसमें दोनों ही चीजें ज्यादा है, मोर फैट मोर लिपिड, ठीक है। तो इधर कंपेरिजन पूछा गया कि मदर मिल्क किस लिए हम यूज करते हैं, तो डेफिनेटली लेस फैट लेस लिपिड होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बच्चों वाला सवाल है। ऐसे आपसे पूछा जाता है मदर्स मिल्क में कुछ ऐसा कुछ खास, ठीक है ना, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आप इसका भी जवाब बताइए कि भैया मदर्स मिल्क में ऐसा क्या खास होता है जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कोई ऐसा प्रोटीन या कुछ ऐसा कंपाउंड क्या ऐसा है जो मदर मिल्क में ज्यादा होता है? एक क्वेश्चन ये भी आता है काउ मिल्क थोड़ा सा येलो कलर का होता है, वाई, किस वजह से? तो ये भी क्वेश्चन आपको मिलता है, येलो कलर होने का कारण क्या, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बनेंगे, बट इधर क्लास में प्रैक्टिस करोगे 9 AM पे सब समझ आएगा, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसमें क्या होता, जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें क्या क्या होता? बिल्कुल कैसीन होता है, बिल्कुल सही। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो यह आंसर है इस क्वेश्चन का, सैंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सैंड, और आप सभी के सभी ना 90% क्वेश्चन गलत कर रहे हो अभी तक जो मैं देख रहा हूं, 90% क्वेश्चन गलत हो रहे हैं अभी भी। आपने बहुत बच्चे सिर्फ सैंड लगा रहे हैं, तुमने सैंड से आग बुझा दी। फायर एक्सटिंग्विशर में सैंड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। रॉयल वाटर यानी कि एक्वा रिजिया की बात हो रही है, तो रॉयल वाटर जो है मिक्सचर है किसका? आज रात को 9 बजे वाली क्लास नहीं हो रही है, लेकिन कृपया खेद मत करिएगा, मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसलिए मैं रात को 9 बजे वाली क्लास नहीं करवा रहा था, ठीक है। मेरी आज पेड क्लासेस और रात को 9 बजे वाली क्लास नहीं हो रही, बाकी कल से सारी रेगुलर क्लासेस होनी है। और ये वाली क्लास मैं इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि ये दिन की शुरुआत है, तो मैं आपको एक फ्लो देके जाऊंगा कि भाई आप पढ़ो तो आप पढ़ोगे बढ़िया, है ना। तो इसलिए मैंने क्लास लाइव रखी। चलिए, रॉयल वाटर जो है HCl और नाइट्रिक एसिड, जिसमें इसका 3 रेशो है, इसका 1 रेशो है, ठीक है। HCl और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 और ये HCl है, ठीक है। HCl को क्या कहते हैं, इसका भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। HCl को म्यूरेटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। चलिए सर, क्यों सर रीजन बताइए क्यों क्लास नहीं होगी? देखिए रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, आपको बताएंगे सर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ड्रग इज यूज इन एंटी डिप्रेशन, मतलब अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसके लिए एंटी डिप्रेशन ड्रग जो होते हैं वो उनमें इनमें से एक है, मतलब कौन सा है एंटी डिप्रेशन ड्रग, ठीक है। 11 बजे वाली क्लास होगी, क्यों नहीं होगी? सुबह की क्लास होनी है, सुबह की 11 बजे वाली क्लास होनी है, सुबह की क्लास बंद नहीं कर रहे, ठीक है। रात की एक क्लास 9 PM की अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए नहीं हो रही, बाकी कल होनी है वो भी। उसमें मैं कल रात को एनवायरमेंट और इकोलॉजी चैप्टर लेके आऊंगा। सैटरडे संडे इस बारी ना ध्यान रखना, इसी टेक्स्ट बुक रेलवे पे पूरी केमिस्ट्री खत्म कराऊंगा, चाहे सैटरडे को कराऊं या संडे को कराऊं, बताऊंगा जरूर कि भैया इस दिन केमिस्ट्री पूरी थ्योरी। चलिए आंसर है बेप्रोपिन, इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये एंटी डिप्रेशन ड्रग है, ठीक है, मार्केट में ये बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सा, ये क्वेश्चन में ना नोट वर्ड हटा दो, ये नोट वर्ड गलत दिखाओ, कह रहा है इसमें से कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, मतलब इसमें से कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है,
इसमें से कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? अब आंसर क्या होगा, कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? यस का क्वेश्चन है कि भाई यस में बताइए कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, ध्यान रखना ओजोन, ओजोन इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब ये कह रहा है कि भैया नेपाल ने पहली बार अपनी जो सैटेलाइट लॉन्च करी थी, ठीक है, नेपाली सेट वन, ठीक है, नेपाली सेट वन, तो ये नेपाली सेट वन कहां से सेट करी थी, मतलब कहां से उड़ाई, ठीक, किस प्लेस से, कौन सी जगह से लॉन्च की थी। ठीक है, बिल्कुल डियर अंजलि, ध्यान रखेंगे हम इस चीज का, कोशिश पूरी रहेगी। बट मैं देखो होता क्या है कि जैसे बच्चों को समझा समझा के थक गया कि जो तुम एसएससी सुपर कोचिंग चैनल से पढ़ रहे हो वहां से 9 बजे वाली क्लास हट जाएगी, तुम ढूंढते फिरोगे, तुम जल्दी से टेक्स्ट बुक रेलवे से ही स्टार्ट कर दो रेगुलर, बच्चे तब भी ना समझे तो क्या किया जाए, कितनी बार समझाओ, फिर बच्चे कहेंगे सर क्लास लेके चले गए, गायब हो गए सर कहीं। ठीक है, तुम्हें बता दिए हैं, एक दो दिन में तुम्हें दिखाई नहीं देगी एसएससी सुपर कोचिंग में रेलवे की कोई भी क्लास, इससे पहले ही तुम छुड़ जाओ ना दूसरे नाव में। ठीक है, आंसर है यूएसए, इस क्वेश्चन का आंसर है, लिंक भी बताया ऊपर चैट बॉक्स पे, लिंक भी दे रखा है, अभी लाइव चल रही है, उठो पूछो, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजी इज द बायोलॉजी एनर्जी करेंसी कौन सी है सेल की, बताइए कौन सी सेल की एनर्जी करेंसी है। अगर मैं इसमें से कहूं क्या एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या एनर्जी करेंसी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या एनर्जी करेंसी है, तो यस डेफिनेटली है। ठीक है, एटीपी जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है एनर्जी करेंसी है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, अब बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक भी है। देखिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ना जब वो पानी में रहते हैं ना तो उनको ना एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल चाहिए होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल, जिससे वो सरवाइव कर सके, ऑक्सीजन उतना पानी में होना चाहिए जिससे वो सरवाइव कर सके, ऑप्टिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो है वो कितना होता है, कितना खतरनाक क्वेश्चन, किसी थ्योरी में थोड़ी पढ़ोगे, प्रैक्टिस में ही देखोगे ऐसा क्वेश्चन कि भैया ऑक्सीजन का ऑप्टिमम लेवल कितना होगा जिससे एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है पानी में सरवाइव कर सके, वैल्यू पता होनी चाहिए। आंसर इस क्वेश्चन का 4 से 6, तुक्केबाजी, सबके तुक्केबाजी, एक एक बच्चा तुक्केबाजी में लगा हुआ, क्यों लगे हुआ मेरे को समझ नहीं आता, आपको नहीं आता ये वाला क्वेश्चन, आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 4 से 6 इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया 4 से 6 है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, हाइड्रोजन बॉम्ब का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, हाइड्रोजन बॉम्ब का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉम्ब का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, तो हाइड्रोजन बॉम्ब का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, तो आंसर है इस क्वेश्चन का एडवर्ड टेलर, इस क्वेश्चन का आंसर है क्या है, आंसर एडवर्ड टेलर। ठीक है, देखो हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब का भी पूछ सकता है कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन किसने किया। ठीक है, माइकल फराडे का, माइकल फराडे का फराडे लो। ठीक है, हालांकि निकोल टेस्ला ने क्या क्या, निकोल टेस्ला ने तो सबसे ज्यादा खोजे करी है। ठीक है, मोटर कार ये सब चीजें, डीजल का खोज किसने किया था, डीजल इंजन का। ठीक है, बताए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट, देखो जो हाइड्रोजन डिफ्यूज होता है ना उसका रेट हीलियम के कंपैरिजन में होता है, एंड उसी चीज को सवाल में पूछा गया कि भैया अगर हाइड्रोजन के डिफ्यूजन की बात करूं तो वो कंपैरिजन में कितना है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो कंपैरिजन में कितना है, बताइए वो कंपैरिजन में कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है,
अच्छा तो ये कंपैरिजन में नहीं नहीं ट्वाइस पे जा रहे हैं, 1.4 टाइम्स रेट ऑफ हीलियम है, ठीक है, हीलियम का 1.4 टाइम्स है, ठीक है, तो भैया हीलियम का 1.4 टाइम्स याद रखिएगा, गलती से भी मतलब ऐसे गलत मत करो, ठीक है। अगर फलों के पकाने की अगर मैं बात करें, फल पकते हैं किसकी वजह से, कौन से हॉर्मोन की वजह से, ठीक है ना। अब मैं इसमें अगर कहूँ कि भैया हॉर्मोन कौन सा है, तो वो गैसेस हॉर्मोन है जो कि फलों को पकाने में हेल्प करता है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर है इस क्वेश्चन का इथाइलिन। क्या है आंसर, इथाइलिन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, इथाइलिन इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, इथाइलिन आंसर इस क्वेश्चन का। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इथाइलिन इस क्वेश्चन का आंसर। नेम द साइंटिस्ट हू स्टेटेड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, किस वैज्ञानिक ने कहा कि भैया मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो जैसे अगर मैं ये वाला क्वेश्चन कहूँ ना कि भैया कौन से वैज्ञानिक हैं जो क्या बोलते हैं लिखे बताए थे ये, तो वो आइंस्टीन थे। अब आइंस्टीन ने इसको ना एक फॉर्मूले के थ्रू बताया, ठीक है, आपने एमसी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E = mc² वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला सभी को पता है, सभी को पता है E = mc² वाला फॉर्मूला। तो ये जो E = mc² वाला फॉर्मूला, इसी में ही आइंस्टाइन ने इस चीज को प्रूव भी किया था कि भैया मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है, और यही चीज जो है E = mc² में लिखी आइंस्टाइन ने इसी फॉर्मूले को। देखो ऑप्शन नंबर 4 जो है कट चुका है, ठीक है, डी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, डी ऑप्शन ही आइंस्टाइन का ऑप्शन है, ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन कट चुका है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ठीक है। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। देखो केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई भी चीज अगर मतलब उसमें अगर चेंज आया ना, तो वो दोबारा वही नहीं बनेगी। जैसे मान लो दूध, अगर हमने दही बना दी तो वो दही का दूध नहीं बनने वाला, अगर फल एक बार ही पक गया तो वो दोबारा कच्चा नहीं होने वाला, ये सब केमिकल चेंज होते हैं। यानी कि अगर एक बार ही बदलाव हो गए तो वो दोबारा रिटर्न नहीं हो सकता, बट फिजिकल चेंज में कोई बदलाव हुआ है तो वो रिटर्न हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है नोट अ केमिकल चेंज, कहने का मतलब वो फिजिकल चेंज होगा, जो भी आंसर होगा वो फिजिकल चेंज होगा, वो दोबारा रिकन्वर्टेबल है। तो अगर मैं पानी को बर्फ बनाता हूँ तो बर्फ को दोबारा पानी भी तो बन सकता है ना, रिकन्वर्टेबल है, तो यानी कि यही आंसर चाहिए, फिजिकल चेंज है, बाकी फलों का पकना केमिकल चेंज है, फल पक गए तो नहीं बदलेंगे, मिल्क का दही बनाना भी केमिकल चेंज है, फूड डाइजेस्ट होना भी केमिकल चेंज है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, नोट ये क्वेश्चन हो चुका है, सोबारी कर दिया इसको नहीं करेगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बताइए, एक और नया क्वेश्चन है। फाइबर प्रोसेस में, हमारा हाइबर प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। अब ये कह रहा है जो NH3 बनाते हैं उसमें कैटलिस्ट के तौर पर और प्रोमोटर के तौर पे क्या यूज किया जाता है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। हाइबर प्रोसेस किस लिए यूज होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आसान है क्वेश्चन भी आ सकता है NH3 बनाने के लिए, ठीक है, सिंथेसिस के लिए, ठीक है, बट उसमें यूज क्या होता है ये क्वेश्चन बड़ा ही मुश्किल, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन, उसमें यूज क्या होता है ये बड़ा ही मुश्किल है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, Fe acts as a catalyst and MO acts as a promoter, ठीक है ना, FeMO, ठीक है, FeMO याद रख लो हाइबर प्रोसेस में, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस पे अप्लाई होगा, जल्दी से बताइएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस पे अप्लाई होगा, कौन कौन चाहता है केमिस्ट्री की थ्योरी फुल पढ़ना पूरी मैराथन में, संडे को या सैटरडे को, संडे को, मेन संडे को रखा है, यस लिखो जो जो चाहता है, टेक्स्ट बुक रेलवे पे आ जाना हर कोई पढ़ने के लिए, ये चीज पूरी भी होगी, जो बोल रहे हैं वो पूरा भी होगा, ठीक है। चलिए आंसर इस क्वेश्चन का एनी पेयर ऑफ बॉडी, होप अब इसमें क्या है कि बच्चे अलग अलग दिमाग लगाए कि भैया नहीं लॉ ग्रेविटेशन तो अर्थ और मून के बीच में है, करंट और सन के बीच में, वो किसी बॉडी पे, आज आप ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट वाला फॉर्मूला निकालते हो ना, तो उसमें आप m1 इंटू m2 करते हो, वो मास होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एनी पेयर ऑफ बॉडी दैट इज हैविंग मास, उस पे अप्लाई होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है, एनी पेयर ऑफ बॉडी दैट इज हैविंग मास, उस पे अप्लाई होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, प्योरिटी ऑफ गोल्ड, प्योरेस्ट गोल्ड कितना होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिए तो भैया, प्योरेस्ट गोल्ड कितना क्या क्या होगा? आसान क्वेश्चन है, चलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आप देखो, इनकरेक्ट का ना पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन करो, केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो पूरा पीरियोडिक टेबल भी लेके चलेंगे। ठीक है, बट अभी बताओ, पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टली रो, हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इन द इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो भैया इसमें जो है ना, ग्रुप हैव द एलिमेंट विद द कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर, गलत। ग्रुप में कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर नहीं होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? एक के बाद एक, वो ग्रुप में थोड़ी होता। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करिए। सो बबल एक इल्यूमिनेटिंग कलर प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तीनों में से ये आंसर है, चौथे को छोड़ो, चौथा आंसर ही नहीं है। अब बताइए कौन सा आंसर सही है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? मैं कुछ बच्चों के नाम लेता हूं, ठीक है, लैपटॉप से देख के जल्दी से नाम ले लेता हूं। सर, टेक्स्ट बुक रेलवे में आप कितने बजे तक क्लास लेते हैं? डियर सुनंदन दत्ता, सुचनंदन दत्ता, अभी मैं वहीं पे क्लास ले रहा हूं। ठीक है ब्रिजेश, मैं एक बारी रिफ्रेश करके बोल रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ भाई बच्चों आपके, दो मिनट लगेंगे मेरे को लेते समय। ठीक है, जो भी बच्चा है, हर्ष, मोना, तुलसीराम, ठीक है, जानवी, जितने बच्चे हैं और भी हैं, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हो भाई, SSC टेक्स्ट बुक रेलवे पे आपके ऊपर एक चैट बॉक्स पे लिंक दे रखा है, उस लिंक को ओपन करो और टेक्स्ट बुक रेलवे से ही क्लास लो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपका केमिस्ट्री का मैराथन मिस हो। ठीक है, आपका मिस होगा तो फिर मेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इंटरफेरेंस इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फ्री लिविंग सोयल बैक्टीरिया, देखो नाइट्रोजन जो साइकिल है ना, नाइट्रोजन की बायोकेमिकल साइकिल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो उसमें ना बैक्टीरिया फिक्सेशन का काम करते हैं, और बैक्टीरिया का नाम पूछा गया एजोटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया का नाम है, फ्री लिविंग सोयल बैक्टीरिया यही है एजोटोबैक्टर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। नमस्कार जानवी, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? देखो एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है दोस्तों? ये ना एड्स का, ठीक है, एड्स के लिए प्रिस्क्राइब है, जब एड्स लगता है कि भाई किसी बंदे को एड्स है तो एलिसा टेस्ट प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल हयात डियर, आपने बड़ी मदद करी मेरी, मैं अभी देख रहा था चैट बॉक्स पे दूसरी जगह। चलिए गुड, एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन द सेल डिवीजन। देखो हमेशा ध्यान रखना सी से सी, सेल डिवीजन सी से स्टार्ट हो रहा है, तो साइटोकिनिन सी से स्टार्ट हो रहा है, इतना तो पता होना चाहिए भैया। प्लांट में जो है सेल डिवीजन का काम साइटोकिनिन करता, और जहां पे साइटोकिनिन काम कर रहा है ना वहीं पे ऑक्सिन भी होता है, मतलब ये जय विरु वाली बात है, सी ए के साथ ही रहता है, वैसे भी सी ए होता है या फिर ए सी होता है, समझ रहे हो? ऑक्सिन जहां पे होगा वहीं पे साइटोकिनिन होगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए? नेम द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। बड़ा आसान क्वेश्चन, वापिस हार्ट की तरफ वेन के थ्रू जाएगा, है ना, वापिस हार्ट की तरफ वेन के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो भैया आंसर क्या है इस क्वेश्चन, वेन, अगर हार्ट से बॉडी में जा रहा होता तो आर्टरी होता, ठीक है, और अगर बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा तो ये क्वेश्चन में है वेन होगा। ठीक है, चलिए व्हाइट फॉस्फोरस आदि, वही क्वेश्चन आ गया, जैसे वो सोडियम वाला करप्शन वाला कर रहे थे ना, वैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया कि भैया व्हाइट फॉस्फोरस से संबंधित, और आंसर है कोल्ड वाटर जी। ठीक है, इन मिरर द बैक सरफेस इज पेंटेड विद थिन लेयर ऑफ व्हाट, किसकी थिन लेयर से हम बैक मिरर को, ठीक है, कवर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, अगर मैं बैक मिरर की बात करूं तो जो बैक मिरर का बैक होता है वो सिल्वर से, सिल्वर वाटर होता है वो एक तरीके का, उससे, ठीक है, बैक उसका कवर किया जाता है। डेट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फॉयलम,
फोइलम फूड ट्रांसपोर्ट करता है ना, और उसमें जो ठीक है डेड सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएगा हर शो आप भी पूछो। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का फोइलम फाइबर। इस क्वेश्चन का आंसर डेड सब्सटेंस जो है वो है फोइलम फाइबर। ठीक है डेड सब्सटेंस जो है वो है फोइलम फाइबर। ठीक है क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलो एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हाट आर द, जो क्लासेस होंगी वो सुबह 9 बजे ही होंगी आपकी साइंस की, उसमें कोई चेंज नहीं है भाई। ये तो बचपन वाला सवाल है, बचपन नहीं बचपन से आगे, ठीक है जीवन का ज्ञान है ना, जीवन का ज्ञान है तो ऑब्वियसली आसान है यार। मेल गैमेट्स स्पर्म, ठीक है ना, ऐसे ही ओवा, तो ऐसे ही जायगोट, ऐसे ही एम्ब्रोय, और ऐसे ही ठीक है हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी पेलूरा। देखो अभी हमने ना पेलूरा का ये समझ लो कोरोना से संबंधित हमने कुछ तो समझा हुआ है, अगर आपको पता है तो बताइए। इफेक्ट भी इसी पे होता है कलो, जो हमने कोरोना संबंधित चीजें पढ़ी है उसमें। चलिए बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो भैया आंसर है इस क्वेश्चन का लंग्स। ठीक है पेलूरा जो है किसमें होता है? लंग्स में होता है। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए जॉर्ज मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के चलते किसकी बलि चढ़ाई, मतलब किसका अलग अलग टाइप यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने के लिए। क्रॉस ब्रीडिंग करा दी, पता नहीं कौन कौन सी ब्रीडिंग कराई थी, लंबे के छोटे के साथ, छोटे के मोटे के साथ, क्रॉस ब्रीडिंग ऐसी ही हुई थी ना, मतलब जब हम 10th क्लास में हेरिडिटी एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते जॉर्ज मेंडल ने बड़ा कुछ करवा दिया उसमें, मटर के साथ, मटर मोटे का पतले के साथ, पतले का लंबे के साथ, इस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग करा करा के जॉर्ज मेंडल ने समझाया कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मटर का पौधा। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करिए एन आइडल गैस ऑफ ए विच लो, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, है ना बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का देखो भाई गैस लो वे करेगा ना भैया, आइडल गैस है तो भाई गैस लो वे करेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, पल्सेस किस फैमिली से बिलोंग करती, मतलब किस कैटेगरी की होती है पल्सेस। ठीक है देखो क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, पल्सेस का लेग्यूमिनस कैटेगरी होता है इनका, ठीक है ये सभी हाइड्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है कौन सा कैटेगरी होता है, लेग्यूमिनस कैटेगरी होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प कर सकते हैं ना, आसान है क्वेश्चन। कल भी 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है डेली 50 क्वेश्चन यहाँ पे नए नए करेंगे हर एक एग्जाम के लिए, रेलवे का हो या एसएस, रेलवे का बेसिकली ध्यान रखना। लैग्नेसिस इस क्वेश्चन का आंसर है, ईईजी किसके लिए किया जाता, ठीक है देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ईईजी किसके लिए जाता है, ये सीयूटी छोड़ो आप बस ये बताओ ईईजी किसके लिए, जैसे ईसीजी करते हैं ना हार्ट के लिए, वैसे ईईजी किसके लिए किया जाता, ब्रेन के लिए, है ना ब्रेन के लिए, है ना। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ब्रेन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ब्रेन आंसर होना चाहिए, ब्रेन है ना, तो ये ब्रेन आंसर, अगर ईसीजी होता तो हार्ट का होता और ईईजी लिखना तो ब्रेन का है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है डी टी प्लस वालों की, डी टी प्लस बी वालों की क्लास में 11 बजे वाली करा दूंगा, ठीक है बाकी अगर रात को क्लास नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लासेस बंद है। रात को कल से हम रेगुलर चैप्टर उठाएंगे, कल से हम एनवायरमेंट इकोलॉजी का चैप्टर उठाएंगे, ठीक है 9 बजे बड़े तगड़े टॉपिक लाऊंगा। एक चलती हुई गाड़ी एकदम से रुकी, पैसेंजर पूछा आगे की तरफ, मतलब आगे की तरफ आ गया, ऐसे ऐसे पीछे भी जाएगा फिर थोड़ा सा, है ना, तो उसमें कौन सा कंसेप्ट लगा हो बताइए, आंसर क्या है इस क्वेश्चन बताइए, इसमें कौन सा। अब इनर्शिया का तो भैया रेस्ट और मोशन दोनों दे रखा, चलो मान लिया इनर्शिया ही लगेगा, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा या इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा, इसमें ना बड़ा डाउट हो जाता है, बड़ा डाउटफुल है कि भैया क्या होगा, जो पहले था ना वही होगा, जो बंदा पहले जिस स्टेज में था ना वही आंसर होगा। मैं इस चीज को समझा देता हूँ, रट्टेबाजी मत करो, इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप जो गलती करते हो इस गलती को सुधार लो। अगर जब गाड़ी चल रही है तो वो भी भैया मूवमेंट में है, ठीक है तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, एकदम से ब्रेक लगी रेस्ट पे आ गया, तो भैया जो पहले वाला है
वही होना चाहिए। तो इनर्शिया ऑफ मोशन था पहले, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन इसी वजह से आंसर है, ठीक है, जो पहले था वही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वुमेन हैव शिल वॉइस, ये सभी को पता है कंसेप्ट की भी है, महिलाओं की शिल वॉइस का कारण क्या है। ठीक है, महिलाओं की श्रिल वॉइस का कारण क्या है। देखो श्रिल वॉइस का कारण ना ये है हाई फ्रीक्वेंसी। बहुत बारी मैंने इस चीज को समझा दिया है कि हाई फ्रीक्वेंसी से हाई पिच होती है, हाई पिच से श्रिल वॉइस होती है, ठीक है ना। कोई नहीं यार, कभी कभी होता है कि ऐसे क्वेश्चन ना आते हैं पेपर, पता है ये पेपर के क्वेश्चन है, अलग अलग पेपर के सेट के क्वेश्चन उठा रखे हैं, तो कभी किसी पेपर में पूछा होगा ये, कभी किसी पेपर में पूछा होगा, तो हर जगह आपको एक दो क्वेश्चन सेम दिखाई देंगे जो बार बार हर पेपर में पूछे जाते हैं। ये वही क्वेश्चन है, दो बोल है, डिफरेंट मासेस है, सेम गारंटी एनर्जी है, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम इज इक्वल टू पी इंटू वी, सॉरी पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो भाई मोमेंटम वी कांस्टेंट है, तो भैया जिसका मास ज्यादा होगा उसी का पी ज्यादा होगा। अब देखिए मास किसका ज्यादा हैवियर वन, सिंपल सी बात है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका पी ज्यादा होगा, है ना। तो भैया मास ज्यादा किसका हैवियर वन, तो बस हैवियर वन आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, द फाइनल इमेज इन द सिंपल माइक्रोस्कोप इज, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, फाइनल इमेज क्या, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आंसर है इस क्वेश्चन का वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट, ठीक है। देखो वर्चुअल तो होगा, मैग्नीफाइड क्योंकि बड़ा करके देखेंगे सेल तभी तो दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है, और सीधा भी होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हनी जो है शहद जो है उसमें किसकी परसेंटेज ज्यादा है। पीडीएफ आपको सारी मेरे टेलीग्राम पे भी मिलती है, मेरा एक टेलीग्राम है अमन सर टेस्ट बुक, अगर आपको मुझसे पर्सनली भी जुड़ना है तो आप अमन सर टेस्ट बुक भी सर्च कर सकते हो, जितने भी बच्चे देख रहे हो बस सर्च करना है अमन सर टेस्ट बुक आपको, ठीक है ना। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का ग्लूकोज, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ऑप्टिकल फाइबर का पर्पस, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर का पर्पस पूछ रहे हैं, तो भाई ऑप्टिकल फाइबर तो हमारा किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है जो डिफरेंट, इसमें ऑप्शन अलग अलग देते हैं, वैसे ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका किसे होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को काम करता है ना। तो इसमें क्या देखा, ट्रांसमिट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये लिखा हुआ है कि भाई जो डिफरेंट कलर की लाइट्स है उनको ट्रांसमिट करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा और डिफरेंट कलर की जो लाइट्स हैं उनको ट्रांसमिट भी करेगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, पूरे 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है, किस लिए यूज करते हैं, क्या हम ऐसे करते हैं इससे। बेटा जितने भी बच्चे टेस्ट बुक रेलवे पे पढ़ रहे हैं वो टेस्ट सिर्फ क्लास टेस्ट बुक रेलवे से ही देखें, मैं टेलीग्राम पे भी टेस्ट बुक रेलवे का ही लिंक डाल दिया करूंगा, ठीक है। और बाकी जो एसएससी सुपर कोचिंग ऐप पे देख रहे हैं वो भी आज देख रहे हो एसएससी सुपर कोचिंग ऐप पे, कल से आप टेस्ट बुक रेलवे पे क्लास देखेंगे, इसी क्लास को लिंक ऊपर दे रखा है, अभी टेस्ट बुक रेलवे पे लाइव है, आपकी चैट बॉक्स पे लिंक दे रखा है, आप वहां से देखना, आज से ही स्टार्ट कर दो, 2 मिनट में आप वहां पहुंच के वहां से क्लास स्टार्ट कर दो, सो डेट कि आपको क्लास ढूंढनी ना पड़े बाद में, ठीक है, गायब ना हो जाए हम यहाँ से। ब्लड प्रेशर इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट क्वेश्चन, कैरालाइट जो है किसका ओर है, जल्दी से। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी के सभी टेस्ट बुक रेलवे पे जुड़ जाओ, है ना। लास्ट क्वेश्चन आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर है पोटेशियम, कैरालाइट इज एन ओर ऑफ पोटेशियम। अगेन इसके साथ हमारे ये वाले क्वेश्चन भी खत्म हुए, ठीक है। देखो हमारा जो टेलीग्राम है वो है अमन सर टेस्ट बुक, या मेरा पर्सनल टेलीग्राम पे मुझसे भी जुड़ना चाहते हो अमन सर टेस्ट बुक पे जुड़ जाओ, बाकी एक ये टेलीग्राम भी है ओवरऑल सभी रेलवे के बच्चों के लिए, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं पूरा, ठीक है। ये रहा
और पूरी टीम आपको पढ़ा रही है स्टार्टिंग विद गौरव सर। अभी देखो ऐसे जैसे मैं सुबह 9 बजे पढ़ा तो उससे पहले आपको रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, फिर आपको मैथ भी, ऐसे ही शाम को भी आपके लिए कोर्सेज भी अवेलेबल है। ठीक है, टेक्स्ट बुक रेलवे पे जुड़ जाना, चैनल पे जुड़ जाना, क्योंकि मैराथन केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक रेलवे पे ही आएगी। ठीक है, लिंक ऊपर चैट बॉक्स पे है। चलिए, आप जितने भी बच्चे देख रहे विंटर फेयरवेल में आपको रेलवे का कोर्स देखो इतना कम फीस में मिल रहा है। और ध्यान रखना रेलवे का CVT 1 नहीं है, CVT 1 प्लस CVT 2 प्लस CVAT तीनों चीजें हैं। अमनदीप कोर्स से आपको पूरा एक फुल कोर्स मिल रहा है, CVT 2 कोई भी नहीं देता भैया इतनी कम फीस में। हम आपको दे रहे हैं इसलिए कि भैया आपको फायदा हो। टेक्स्ट बुक ऐप पे जाओगे तो जब आप एग्जाम में जाओगे ना, रेलवे में आ जाओ, ALP खोलोगे तो आपको ना यहाँ पे टेस्ट तो प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ये सारे टेस्ट है प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, जनरल टेस्ट, रेलवे के टॉपिक के टेस्ट। लेकिन आप एनरोल करने में जब देखोगे ना, एक्सप्लोर करोगे तो आपको इधर CBT 1 भी मिलेगा और CBT 2 भी मिलेगा। ठीक है, ये देखो ALP टेक्नीशियन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लास, 55 वीडियो है इसमें, क्वानिटी में एप्टीट्यूड 50 वीडियो है। तो ये बड़ा तगड़ा कोर्स है ये 55 वीडियो वाला। और ओवरऑल जितने भी टीचर्स हैं उसमें मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरी भी क्लासेस मिल जाएगी। तो जैसे मेरी क्लासेस में आप देखोगे तो आप मेरी क्लासेस में देखोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी क्लासेस से, मतलब मेरे एक्सेस से। जैसे आपने इधर बाय नाउ पे क्लिक किया ना तो आपको मेरे एक्सेस से चेंज प्लान में अप्लाई कूपन कोड में इसको हटाना है, ये वाला अमनदीप कोड लगाना है, आपको और कम फीस मिल जाएगी। मतलब ये फायदा आपको किस में मिल रहा है, मेरे कोड को एक्सेस करने से मिल रहा है ये पूरा कोर्स आपको। ठीक है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और पढ़ सकते हैं अमनदीप कोड यूज करके। ये अमनदीप कोड यूज करना आपको इस ऑफर में मिल जाएगा, विंटर फेयरवेल ऑफर में सबसे कम फीस मिल जाएगी। तो आप ये एक बार आज अमनदीप कोड यूज करके जुड़ो, पेड कोर्सेज में मजा आ जाएगा। ठीक है ना, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, अमन सर टेक्स्ट बुक भी सर्च कर लो। ठीक है ना, चलिए तो फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। SSC का बेटा आप SSC का कोर्स ले लीजिए ना, फिर SSC का भी दे पाएंगे आप, है ना।